हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम ले जाते हैं आपको नवरत्नगढ़ का किला, जो कि ऐतिहासिक धरोहर है, और दिखाते हैं वहां पर कि नागवंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया वो किला है। और ये लोकेशन जो पड़ता है आपका झारखंड राज्य के गुमला जिला के सिसे प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहाँ पर एक नगर गाँव बसा हुआ है, तो वहीं पर है ये। और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। और वहाँ पर देख बताते हैं क्या क्या है देखने के लिए। रानी तालाब है और लुका छिपी मठ है और रानी महल है और 5 मंजिला इमारत है। तो ये सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए क्या क्या दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा। ये है बसिया का थाना और ये रोड जाती है आपका सिमडेगा राउरकेला की ओर, और ओला रोड आपका खुट्टी और रांची की ओर, और इस साइड में है सिसई का रोड। ये वाला रोड सिसई की ओर जाती है, तो दिखाते हैं आपको। भगवान का स्टेचू बना हुआ है और यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, रांची गुमला सिसई। तो यहाँ से आप लेफ्ट की ओर जाइएगा और राइट तरफ वो भी जाएगा, लेकिन उधर से हम लोग को इधर से जाना है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ नवरत्नगढ़ घुसने का गेट, और ये रोड है जो बसिया से दिखाया था आपको, और ये रोड है आपका उधर सिसई की ओर जाती है। और यहाँ पे नवरत्नगढ़ घुसने वाला रोड है, और आगे जाने से मिलेगा आपको बाबा कपिलनाथ धाम का द्वार, जो कि वहाँ पर है, और ये सीधा ले जाएगा आपको सिसई। और ये बसिया की ओर, बसिया कुम्हारी, उधर सिमडेगा खुट्टी गुमला, बसिया से अलग रोड है खुट्टी और ये रांची के लिए। दिखाते हैं आपको, ये है बाबा कपिलनाथ धाम द्वार, यहाँ से जाते हैं कपिलनाथ बाबा धाम। यही वो गेट है, देख सकते हैं उधर सिसई की ओर साइएगा तो ये गेट मिलेगा आपको, बाबा कपिलनाथ धाम द्वार। और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आइएगा तो आपको मिलेगा, यही रोड में घुसना पड़ेगा कुछ दूर। तो दिखाते हैं आपको वहाँ का व्यू पॉइंट। अभी हम पहुँचने वाले हैं, पहुँच ही गए हैं, और दिखाते हैं यहाँ का व्यू पॉइंट को। जो कि नगर गांव में पड़ता है, देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा ऐसा है। आज उतने लोग नहीं आए हैं, थोड़ा कम ही है, पर हैं कुछ कुछ अंदर में बहुत सारे लोग। तो फाइनली गाइस, हम यहाँ पहुँच चुके हैं नवरत्नगढ़, और गेट में एंट्री कर चुके हैं। वहाँ आगे सिक्योरिटी सब है, तो वहाँ पे नाम एंट्री करना पड़ेगा और अपना भी जो एड्रेस उड्रेस। तो दिखाते हैं आपको वहाँ आगे जाके। तो दिखाते हैं नागवंशी राजाओं की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करता था ये नवरत्नगढ़। ये जो रांची गुमला मार्ग पर स्थित सिसई प्रखंड में आता है, अपने अंदर ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए है ये प्राकृतिक का सौंदर्य। लेकिन आज यह जगह तो पूरा खामोश और वीरान पड़ा हुआ है। इतिहास यह बताता है कि मुगल साम्राज्य से बचने के लिए राजा दुर्जन साल ने इस नवरत्नगढ़ का निर्माण करवाया था, और राजा दुर्जन साल ने चारों तरफ पहाड़ों से घिरा इस नवरत्नगढ़ का स्थापना भी खुद ही किया था। तो देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है यह जगह, जो ये ऐतिहासिक जगह है, इतिहास
इतिहास का धरोहर है। नवरत्नगढ़ के चारों तरफ पहले खाई था बोलते हैं, अभी तो सत्रह मिट्टी भर चुका है। यहाँ प्रवेश करने का मात्र एक ही द्वार है। तो देख सकते हैं आप कि कैसा यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत ही अमूल्य और अनोखा भी है, जो कि आप अपने आँखों से देख सकते हैं। इसको पहले ढोईसागढ़ एवं नवरत्नगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए बनता है, इसका पूरा मन को मोह लेता है। वहाँ पे पांच मंजिला इमारत है जिसको दिखाएंगे आपको। पहले दिखाते हैं यहाँ इन स्तंभों में राजा दुर्जन शाह का नाम खुदा हुआ है और विभिन्न आकृतियां भी बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं स्तंभों में यहाँ पे नाम खुदा हुआ है, लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप, अंदर दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा इस तरह से है। यहाँ निकलते हैं यहाँ से बाहर और दिखाते हैं आगे का इमारत को जो पांच मंजिला का है। इतिहास यह भी बताता है कि मुगल साम्राज्यों से बचने के लिए राजा दुर्जन शाह ने इस किला का निर्माण किया था। तो देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और पहाड़ों के साइड में खाई थी जो कि अभी सब मिट्टी भर चुका है और वहाँ पे है प्रवेश द्वार। खाते हैं यहाँ नीचे नज़ारा, यहाँ भी मिट्टी भरा हुआ था लेकिन अभी तो थोड़ा पर्यटक स्थल बनाने का कोशिश में है, इसलिए यहाँ थोड़ा साफ किया गया है, मिट्टी को खोद के निकाला गया है। तो इसके अंदर जा के दिखाते हैं आपको कितना छोटा छोटा ईंटा से बनाया गया है और कितना मजबूत है इसका दीवार। देख सकते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इतना साल पुराना हो गया। अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ये थोड़ा मिट्टी भरा हुआ था इसलिए मिट्टी का कलर आ गया है इसमें, बाद बाकी सब सही है। इस दीवार का इंच 33 इंच होगा और उस इमारत का भी। दिखाते हैं आपको आगे इस तरह से है यहाँ पे। दिखाते हैं छोटा छोटा ईटा है, पतला पतला छोटा छोटा और प्लास्टिक से ढका हुआ है अभी तो। देख सकते हैं और यहाँ पर राजा से कोई मिलने आता था तो यहाँ पर ही बैठाया जाता था लोगों को, फिर जब मिलने का टाइम होता था तो राजा से मिलवाया जाता था। यही वो जगह है।
बहुत ज़्यादा पानी पड़ने वाला है। उधर में है 5 मंजिला इमारत, पर अभी तो आपको 4 ही मंजिला देखने को मिलेगा। 1 मंजिला तो नीचे मिट्टी में दब गया है। और दिखाते हैं आपको, पर चढ़ने का अनुमति तो नहीं दिया गया है, बस अंदर घुस के देख सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर का नजारा इस तरह से है। पानी भी पड़ रहा है दोस्तों। इस साइड में चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये किला। यहाँ परंपरा रहा है कि यहाँ के राजा कर नहीं लेते थे। तो देख सकते हैं ऊपर का नजारा इस तरह से है। पांच मंजिला इमारत है। नीचे पूरा मिट्टी भर गया है। और दिखाते हैं इधर, पानी भी पड़ रहा है भाई लोग। इधर चट्टानों से भरा हुआ है। और उस साइड में एक यही है तालाब। यहाँ पर नागवंशी राजाओं की एक परंपरा थी कि वे प्रजा से किसी प्रकार के टैक्स प्रकार की वसूली नहीं करते थे, इसीलिए यहाँ का गढ़ किसी अंग राजा और महाराजाओं के आलीशान महल की तरह नहीं है। तो देख सकते हैं कोई अलेक्सान की तरह नहीं, जो कि उस शेड में भी है, एक कोई रखवाली करके करने के लिए बनाया गया था। उसमें जूम करके दिखाते हैं। यहाँ के इतिहास, धरोहर एवं प्राचीन किला को देखने के बाद यहाँ आपको बार बार आने को मन करेगा। यहाँ का सुंदरता जो है ना, मन को मोह लेता है। यहाँ का प्राकृतिक का नज़ारा बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है, बारिश का मौसम इसलिए। यहाँ दिखाते हैं आपके चारों कोनों पर, शीर्ष गुप्तनुमा स्तंभों पर लिपटे बड़े बड़े नाम, जगन्नाथ मंदिर, भैरव मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, धोबी मठ दीवार पर, मनोहरी चित्रकारी मन मोह लेती है। तो देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की आकृतियां और चित्र बनाया गया है यहाँ पर। सोलह सौ चालीस ईस्वी में सलवे नागवंशी राजा दुर्जनसाल ने खुखरा पहला नागवंशी राजधानी से अधिक सुरक्षित दुईसागढ़ को बसाया था। 1616 में मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जनसाल पर खुखरा पर आक्रमण कराकर यहां से
हीरे और 23 हाथी लूट कर आगरा ले गए थे। यहाँ के समृद्ध राजाओं को तब हीरा राजा कहा जाता था। जहांगीर ने जब दुर्जन शाह को कैद में रखा था तो 12 वर्ष रखा था उसे। तो देख सकते हैं किला को आप, 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके राजा दुर्जन शाह के रखा हुआ था, जो 12 साल के बाद मुक्त किया गया। तो अपने साथ 9 राजाओं को मुक्त कराकर लाए और राजा दुर्जन शाह जो हीरा का अच्छा पहचान करता थे, तो राजा दुर्जन शाह का जेल जाने का कारण यही था कि जो वार्षिक कर होता है वो अपना कर जमा नहीं कर रहे थे, इसलिए जहांगीर ने उसे बंदी बनवाया था आक्रमण करवा के। जो कि इस तरह से है, और उसे उस हीरे का पहचान करता अच्छा से करता था, जिसे वो भेड़ी का सींग में हीरे को लगाया गया और भेड़ियों को लड़वाया गया, तो जो असली सोना था उसमें खरोच भी नहीं आया और जो नकली सोना था वो टूट गया। और उसे उस सोना को पत्थर में रख के घाना से भी मारा गया, तो जो नकली सोना था वो टूट गया और जो असली था वो कुछ भी नहीं हुआ। तो ही जहांगीर राजा ने देखा कि वो उसका अच्छा पहचान करता है, तो उसी खुशी में उसे मुक्त कर दिया। बाद में वो अपना राज्य वापस आने के बाद इस किले का निर्माण किया। यहाँ पे नया से फिर से निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे 53 तालाब हुआ करता था और 52 पेड़। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ का निर्माण कार्य अभी प्रोसेस में है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करो, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ। तो मैं मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो में, नए जगह और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।